ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 15 की तरफ। सो हमने इससे पहले क्या जाना, क्या सीखा? तो तारा जो है वो कुछ खेलना चाहती थी, तो उसकी माँ आई और उसने कहा कि चलो कुछ खेलते हैं। और तारा की माँ ने तारा के ऊपर क्या किया, पट्टी बांधी और पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो उनके हाथ में क्या था? यस, फूल। तो तारा के ऊपर पट्टी बांधी, छूकर उसने कौन सा ऑर्गन उसमें यूज हुआ? स्किन, त्वचा। हमने पढ़ा ना शब्दार्थ में, त्वचा मतलब चमड़ी। उसके बाद तारा की माँ ने क्या कहा कि मेरे पास फूल तो है, तुमने सही जवाब दिया फूल, लेकिन कौन सा फूल? तो उसने कैसे जाना कौन सा फूल? उसने उस फूल को सूंघा, उसकी खुशबू से उसे क्या मालूम चला कि वो कौन सा फूल है? गुलाब का। तो सेकेंड टाइम उसने कौन सा ऑर्गन यूज किया? नोज, मतलब नाक। नाक क्या काम करती है? सूंघने का काम करती है। नाउ पेज नंबर 15, आपने जो भी लिख रहा है क्या करना है, उसपे अपनी फिंगर रखनी है। इस बार माँ के हाथ में एक झुनझुना था। मैंने आपको बताया था झुनझुना मतलब बजने वाला खिलौना। वे उसे बजाने लगी और बोली। सो स्टूडेंट्स, झुनझुना मतलब क्या होता है? बजने वाला खिलौना। देखिए झुनझुना ये बजता है ना, इसे बोलते हैं झुनझुना, बजने वाला खिलौना। तारा की माँ ने इसे अपने हाथों में लिया और क्या बोला, फिर से बताओ कि अब मेरे हाथ में क्या है? पहले उसकी माँ के हाथ में क्या था? गुलाब। अब तारा की माँ ने क्या लिया था? झुनझुना। और क्या पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है? फिर तारा ने क्या कहा, मुझे पता चल गया यह तो मेरा झुनझुना है। अब मुझे ये बताइए उसे कैसे मालूम चला? उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है ना। सो जब उसकी माँ ने झुनझुना बजाया तो उसने अपने कानों से सुना। तो हमारा जो कान है वो क्या काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं। तो तारा की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके बाद भी उसने झुनझुने की आवाज सुनकर अपने कान का उपयोग करके उसने सही जवाब दिया। उसकी माने क्या कहा?
तरह ही